बहुत सर्दी में थी, ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूटी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है पहली किक में, देख सकते हो। इंशाल्लाह क्या हाल है सर, का नाम बताओ। नूर जमान सर, स्टेशन लिखा हुआ है यार। ये घर है ना, ये सारे पाकिस्तान के हैं। सब जो आप घर सामने देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, दोस्तों आप देख सकते हैं आज की राइड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने गांव भीमियार से। तो थोड़ा बहुत आप भीमियार को हम बता देते हैं, भीमियार क्या है। भीमियार जो है LGHP की कैनाल के साथ में लोकेट करता है, बहुत ही अच्छा गांव है। अगर आप आएँ तो आप देख सकते हैं इसके साइड में यहाँ बैठने की बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आएँ तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा गाँव है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, मोइन भाई ने आपको बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो थंबनेल से आपको पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह तो अभी सीक्रेट है, बाकी वीडियो जब आप पूरा देखोगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कहाँ है। सर्दी फिलहाल बहुत है, बहुत सर्दी की मतलब बात ही नहीं है, हद से ज़्यादा सर्दी है। तो हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम निकल चुके हैं यहाँ से भीमियार से। तो दोस्तों दुआ करना कि हम अच्छे से पहुँच जाएँ। भीमियार के बारे में हमें आपको बता था चलूँ, जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये भीमियार की LGHP की कैनाल है। टाइम जो हो चुका है वो सुबह के 11 बज चुके हैं। तो दोस्तों टेम्परेचर जो है -2 हो रहा है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे क्योंकि चिले क्लान चल रहा है, खतरा है रास्ते में। तो रास्ते में कोई स्पॉट आता है तो उसको इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे सामने। तो दोस्तों जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं एक शहीद कब्रिस्तान है, इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है। तो ये प्लेग्राउंड है हमारा जिसमें आप खेलते हैं अच्छे से, और वो पीछे आप ब्लॉक देख रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साइड में हम पहुंच चुके हैं LGHP के पावर प्रोजेक्ट के पास। ये 105 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। तो अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो बाहर से हमने जो आपको फुटेज दिखा दी आप इसी के मज़े लिए। हम चालान की ये मार्केट में पहुंच चुके हैं, ये मेन अड्डा है चालान का, सोमो स्टैंड। तो यहाँ से आप देख सकते हो अब पूरी की जर्नी हमारी अब यहाँ से असली स्टार्ट होगी। दोस्तों जो है आप ये देख रहे हैं, मुझे पुलिस से दिखा रहे हैं, ये नया डिग्री कॉलेज बन रहा है चालम में, बहुत ही अच्छी जगह चुनी है। अभी इसका पहला इस सेमेस्टर मतलब पहले ईयर में बच्चों ने मैंने एडमिशन लिया है, और ये अभी ये पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग में है। तो आप देख सकते हैं मतलब लोकेशन क्या है इसकी, आप देखिए अच्छी लोकेशन पर ये है। यही 10 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं भोनियार में। तकरीबन हमारे जहां से हम निकले थे वहां से 3-1 किलोमीटर हम चल आए होंगे। तो ये भोनियार का मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक मेरे सामने आप भोनियार का मार्केट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट है। पूरा मार्केट हम कभी इंशाल्लाह आपको फिर कभी दिखाएंगे क्योंकि हमें आगे जाना है। तो आप देखिए इस मार्केट को। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये है तहसील हमारी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोर्ट देख रहे हैं, मुंसिप कोर्ट आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कोर्ट की बिल्डिंग है भोनियार में, तहसील है भोनियार, ये आप कोर्ट की बिल्डिंग देख रहे हैं। तो उड़ी है यहाँ से 23 किलोमीटर, हमें इसके आगे जाना है तकरीबन आप समझ लीजिए हमें कहाँ जाना है, तकरीबन हमें उड़ी से आगे 20-1 किलोमीटर और जाना होगा।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर। रामपुर एक बहुत ही अच्छा गांव है। देखिए आप रोड देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितनी आला रोड है, गांव कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप मेरे सामने देख सकते हैं एकदम रोड के नीचे साइड में है, पीछे पहाड़ है, कितना अच्छा लग रहा है। रोड देखिए कितना मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कीजिए राइड को, देखिए कितना मज़ा आ रहा है यार। तो दोस्तों हमने यहाँ से पेट्रोल डाला क्योंकि ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से पेट्रोल ज़रूर डलवाएं, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पंप के पास हम रुके तो पीछे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, सोचा आपको भी दिखा दें कितना अच्छा व्यू है। सामने आप देख रहे हैं पहाड़ है, झेलम जा रहा है, पीछे माउंटेन कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए आप यार। तो दोस्तों हम चंदनवाड़ी की मार्केट में पहुंच चुके हैं। सामने आपको जामिया मस्जिद दिखाई दे रही होगी, कितनी खूबसूरत जामिया मस्जिद है। पीछे माउंटेन का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होटल वगैरह आपको दिख जाएंगे, खाने की तकरीबन तो सभी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन तो आगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जे&K बैंक दिखाई दे रहा होगा मेरे, तो यहाँ जे&K बैंक भी है। तो हमें यहाँ से कुछ चाहिए सामान वगैरह, वो हम लेंगे, तो आप आगे की राइड आपको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये जो आप हमारे लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये एक टेंपल है, दाता मंदिर नाम है इसका। अगर आपको यहाँ जाना है तो परमिशन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर आर्मी होती है। आप कभी आए तो यहाँ पे सर्विस कराएं, यहाँ पे मगराल भाई है, हमारे भाई ये हमारे भाई है, इंशाल्लाह इनके यहाँ पे मिलेंगे, देख सकते हो इंशाल्लाह। क्या हाल है आपका, नाम बताओ। नूर जमान सर स्टेशन लिखा हुआ है यार यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है, जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो मतलब जब मैं यहाँ से एक मोड़ आता है थोड़ा आहिस्ता ही निकालेंगे तो आप देखना यहाँ से मतलब नीचे देखना नज़ारा क्या आता है। नीचे एक गुरुद्वारा भी है, उसका हम दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दूर से दिखेगा नहीं तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखा सकें। बार परोपीना का गांव है जो आप वो साइड में, तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। असली जर्नी ना यहाँ से स्टार्ट होगी, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है मेरे सामने, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार। तो सामने एक पॉइंट है, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारों ने आपको दिखाया भी होगा सामने फ्रंट पे, यहाँ से नीचे दिखता है गुरुद्वारा, एक सामने एक ब्रिज है नीचे, उसकी भी आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम आपको बताएंगे, उस पर कोई इंसिडेंट हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ से नीचे। वो देखिए यार ये गुरुद्वारा है, वो नीचे देखा है आपने, वो देखो यार, वाव यार। दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज देख रहे हैं, मतलब ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी दूर है यार, काफ़ी दूर है सच में। ये इस पर एक इंसिडेंट हो चुका है, ये बीच में टूट चुका था, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 40 बंदे जो है वो नीचे गिर गए थे झरने में। ये जो आप झरने, ये इसकी बहुत हाइट है यार, बहुत सच में। तो आप जो इसके साथ में एक गुरुद्वारा देख रहे हैं ये वाला, ये इसका इंशाल्लाह हम बाद में वीडियो बनाएंगे कभी अगर आए तो। ये इसके साथ में एक छोटी सी ज्यारत भी है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह अंदर से कभी आए तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, मतलब यहीं से अगर जो कुछ दिखाई दे रहा है। देख सकते हो आप मोइन भाई अब तैयार हो चुके हैं अपनी तीसरी राइड के लिए, तो अब हम यहाँ से आगे उड़ीसा के लिए निकल चुके हैं, तो चलो मोइन भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारे साइड में जो ये आप देख सकते हो ये पूरा उड़ी का मतलब एरिया है, और ये हमारा एक भाई खच्चर लेके जा रहा है यहाँ से, ये पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। और ये पहाड़ आप देख सकते हो, ऐसा इस टाइम फील हो रहा है
जैसे हम इस टाइम जम्मू के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस आगे जाके हमें बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिलेंगे। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा उड़ी के मार्केट में हम पहुंच चुके हैं, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं नए कॉम्प्लेक्स बने हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। पागल इंसान। तो दोस्तों बता दें, जो ये हमारे साइड में खड़ी हुई थी ये मारुति छोटी बोट गाड़ी, इसने अचानक एकदम पीछे औरत उतरी और एकदम दरवाज़ा खोल दिया यार। मतलब आप देख सकते हैं कितना रिस्क था यार, अगर कुछ हो जाता तो। फिर भी हम थोड़ा आहिस्ता चल रहे थे इसलिए मतलब हमने कंट्रोल कर ली अपनी गाड़ी। तो छोड़ो इसको, हम आगे बढ़ते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था, ये सामने आप उड़ी का मेन मार्केट देख रहे हैं। यहाँ से ऊपर जो रोड जाती है, क्या बोलते हैं, कॉलेज की तरफ जाती है, हॉस्पिटल है सामने, ग्राउंड है। आप कभी अगर आए, हम इंशाल्लाह किसी ने बोला तो हम इसको फिर से एक्सप्लोर। ये जो सामने आप एक उड़ी की बात मैं आपको बताता हूँ, जो सामने आप मेरे लोग देख रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाए ना यार ये नहीं हटेंगे। अगर कुछ भी हो जाए कतई जहर है, ये कभी नहीं हटेंगे सामने से, कभी नहीं। आप नोटिस कर रहे होंगे, मतलब देखो मैं कितनी मतलब हार्म कर रहा हूँ वगैरह, ये फिर भी नहीं हट रहे। अगर कोई उड़ी का देख रहा है तो कमेंट करके बोलना मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सामने काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है मेरे सामने एकदम। तो एक चीज़ और उड़ी के लोगों के बारे में यार, बहुत ही अच्छे लोग हैं, काफ़ी हम्बल लोग हैं, एक दूसरे की मतलब काफ़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी आपको फील ही नहीं होगा कि आप दूसरे मतलब। भाई जैसे कि आपको पता है हम उड़ी मार्केट में पहुंच चुके हैं, ये बस स्टैंड है। अब इसके आगे हमें जो ब्लॉग स्टार्ट करना है, अब हमें पूरा पता नहीं है हमें इससे आगे हमें छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास परमिशन नहीं है। तो हम आगे देखेंगे हमारे साथ क्या क्या इंसिडेंट होगा, तो हम जो जो होगा हमारे साथ तो हम आपको दिखाएंगे, जो जो हाल हमारा होगा तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे।